गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ई चार्ज और ई फील्ड से रिलेटेड अब तक चार वीडियो बनाया हूं और चारों वीडियो में मैंने टॉपिक्स के बारे में डिस्क्राइब किया है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लगाया है। बट पांचवी वाली वीडियो में मैं सूत्र का निगमन अर्थात डेरिवेशन करने जा रहा हूं। पहला डेरिवेशन है, वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है, इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं ए बी। तो हमने क्या किया, ए बी और बी इलेक्ट्रिक डायपोल बना लिया और इसके बीच की डिस्टेंस हमने 2L मान लिया, इसका मिड पॉइंट ओ मान लिया। जब हम मिड पॉइंट ओ मान लेंगे तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी एल और इसके बीच की दूरी कितनी होगी एल। अब हम क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्या करते हैं, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं पी कर लेते हैं। और पी पे ए के कारण ए बिंदु ए पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण जो इंटेंसिटी है वो ई वन है और माइनस के कारण इंटेंसिटी ई टू है और दोनों का रिजल्टेंट ई है। तो अब आगे क्या करते हैं, यही लिखा हमने कि माना ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि के बराबर द्वितांक वाले माध्यम में स्थित है और ए सिरे पे क्या है प्लस क्यू आवेश और जो है बी सिरे पे माइनस क्यू चार्ज मतलब आवेश एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पे रखा हुआ है और ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ए है मतलब ओ है और ओ से आर डिस्टेंस पे अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने जो फिगर के बारे में आपको समझाया है हमने नीचे भी लिख दिया है। अब हम क्या कर लेते हैं कि बिंदु पी की हम क्या कर लेते हैं प्लस क्यू से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी होगी आर माइनस एल, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है आर है और इतनी डिस्टेंस एल है। तो इतनी कैसे निकालेंगे, आर में से क्या करेंगे एल को माइनस कर देंगे तो क्या हो गया आर माइनस एल हो गया। उसके बाद हम पी की डिस्टेंस क्यू से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इतनी डिस्टेंस कितनी है, इतनी आपकी डिस्टेंस आर है और इतनी कितनी है एल है, तो टोटल कितनी होगी आर प्लस एल होगी। उसके बाद हम इंटेंसिटी ई वन और ई टू क्या कर लेते हैं सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर हम इंटेंसिटी ई वन की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर होता है क्यू अपॉन, उधर हमने आपको बताया था वीडियो नंबर 4 में क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चूंकि यहाँ डिस्टेंस आर माइनस एल है तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन कितना होगा, ए से पी की ओर होगा, ए से क्या होगा पी की ओर ये वर्क करेगा। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या कर लेते हैं बिंदु पी पर हम इंटेंसिटी ई टू निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह होगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा पी से बी की ओर, कितना होगा पी से बी की ओर, वीडियो नंबर 4 में आपको बताया गया डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो ई वन और ई टू जो है दोनों एक ही लाइन के क्या है एलॉन्ग, क्या एक ही लाइन के एलॉन्ग क्या कर रहे हैं अनुदिश क्या कर रहे हैं विपरीत दिशा में, दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं। और ईवन की जो वैल्यू है, जो ईवन की वैल्यू ई टू से क्या है अधिक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब बिंदु पी पर इंटेंसिटी निकालते हैं। बिंदु पी पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी निकालते हैं तो ई बराबर क्या होता है अधिक वाले में से हम कम वाले को माइनस कर लेते हैं, तो ई बराबर ई वन माइनस ई टू होगा। अब हम क्या करेंगे, ई वन और ई टू की वैल्यू दोनों जो हमने पीछे भी निकाला है दोनों को यहाँ पुट करेंगे। तो ई वन की वैल्यू हमने 1/4πε0 के क्यू अपन आर माइनस एल का स्क्वायर 1-1/4πε0 के क्यू अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हमने पुट कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है क्यू है 4πε0 के इधर भी है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी, दोनों को हम निकाल लिए तो क्या बचा 1/r-l² - 1/r+l² बचा। अब हम क्या कर लेते हैं एलसीएम हमने ले लिया आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल के स्क्वायर के अनुसार दोनों को एक्सपेंड कर देते हैं। तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl, बीच में माइनस साइन है उसी तरह रहने देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे वो जब भी माइनस होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं कोई भी चीज़। तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl। अब उसके बाद क्या करते हैं ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2rl और 2rl दोनों का साइन प्लस है तो ये ऐड हो जाएगा तो 4rl मिल जाएगा और बाकी q/4ε0 के ये ऐसे बगल में उतरता जाएगा। उसके बाद क्या कर लेते हैं ये यहाँ से R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, तो A प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो R माइनस एल R प्लस एल का मतलब क्या हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर भी लगा देंगे। फिर से देखिए R माइनस एल R प्लस एल, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद
नीचे उतार लेंगे। अब क्या कर लेते हैं, अब हम क्यू फोर आर एल को क्या करते हैं, इस तरह सेट कर लेते हैं, क्यू इंटू टू एल इंटू टू आर, मल्टीप्लाई करिए मिल जाएगा फोर क्यू आर एल, क्यू आर एल मिलेगा हमको। अब हम सेट कर लेते हैं, सेलकट में सेट करने के बाद हम देखते हैं क्यू इंटू टू टू एल की किसकी वैल्यू होती है, पी की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, तो हम पी रख लेंगे और टू आर यहाँ से ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या कर ले, सपोज कर लेंगे जो एल स्क्वायर की वैल्यू है वो आर से क्या है, बहुत 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 छोटा है, तो हम एल स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, नगण्य मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे एल स्क्वायर को जीरो मान लिए तो क्या मिला, ई अपान वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के मिला, उसके बाद पी इंटू टू आर मिला, और आर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर क्या कर देगा, ये जीरो हो जाएगा, तो दो दो चार हो जाएगा, चार हो जाएगा, फिर आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये अपन वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू पी अपन आर थ्री मिल गया। यदि निर्वात और वायु के लिए हम सपोज कर लें कि ये निर्वात और वायु में रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो के की वैल्यू वन होगी, तो के की वैल्यू वन होगी, तो के की वैल्यू रख देंगे, तो ये अपन वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपन आर थ्री मिल जाएगा। यही क्या है हमारी सूत्र है, ये हमारा सूत्र है, और डायरेक्शन इसमें क्या होगा, ई का माइनस से प्लस की ओर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला डेरिवेशन लेके आऊँगा, तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू।